बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब पाकिस्तान समेत दुनिया को चलगोजा सिर्फ 1000 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा। बेहतरीन खुश्क मेवाजात की मंडी खुल गई। अफगानिस्तान में अमन कायम होने के बाद इस इलाके की सूरत हाल बदलती जा रही है। ये इलाके दिन ब दिन बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले वक्तों में इस एक खत्ते में अमन के बायस एशिया दुनिया की खुशहाल तरीन खत्ता बन जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान एक तरफ सेंट्रल एशिया समेत रूस दूसरी तरफ जनूबी एशिया का गेट है। इस सूरत हाल से चीन ने भरपूर फायदा उठाते हुए अफगानिस्तान की मादनियात समेत ड्राई फ्रूट यानी खुश्क मेवाजात के लिए तजारती मुआहदे किए हैं। खुश्क मेवाजात के लिए तो चीन ने पाइन नट कॉरिडोर बना लिया है। इस हवाले से हम आपको बताते चले कि पहला कार्गो त्यारा चलगोजा लेकर इतवार को काबिल से चीन पहुँच गया। इसने दो दोस्त पड़ोसी ममालिक के दरमियान पाइन नट एयर कॉरिडोर की बुनियाद रखी। अफगानिस्तान और चीन के दरमियान कार्गो एयर सर्विस की इफ्तिताह के लिए काबिल एयरपोर्ट पर खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के नायब वजीर आजम अब्दुल इस्लाम हनफी, तालिबान के तर्जुमान जबीअल्ला मुजाहिद और अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर जबीअल्ला मुजाहिद ने कहा कि ताजिर और मर्चेंट हमारा असासा हैं और इमारत इस्लामिया इनकी मुकम्मल हमायत करेगी। अफगानिस्तान में चीन के सफीर वांगयू ने बयान दिया कि महदूद आलमी फजाइल नकलो हमल के बावजूद दोनों ममालिक ने मुतद्दिद मुश्किलात पर काबू पाया और परवाजों का इंतजाम किया, अफगान किसानों का मसला हल किया, दोनों ममालिक के दरमियान तजारती तल्लुकात को मुस्तकिम किया। उनके मुताबिक चीन के लिए जाने वाले चलगोजे की पहली परवाज 45 टन चलगोजा लेकर गई और उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले महीनों में 10,000 टन चलगोजा चीन को एक्सपोर्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमदनी सैकड़ों मिलियन अमरीकी डॉलर्स तक पहुंच जाएगी, जिससे बहुत से अफगान किसानों को बहुत फायदा पहुंचेगा। सफीरियों ने कहा कि ये छोटे पाइनेट अफगान अवाम के लिए खुशी और चीनी लोगों के लिए अच्छा जायका लाते हैं और पाइनेट एयर कॉरिडोर दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती का अहम रिश्ता है। पाइनेट्स, जिसे मुकामी तौर पर चलगोजा कहा जाता है, अफगानिस्तान में शुमाली मगरबी हमालिया में पैदा होने वाले बड़ी मसनूआत में से एक है। मशरकी अफगानिस्तान के जिन 8 सूबों में चलगोजे के दरख्त हैं उनमें खौस्त, पक्तिका, कापीसा, नूरिस्तान, नंगरहार, नूरिस्तान और लोगमान शामिल हैं। 26 अक्टूबर को अफगानिस्तान के कायम मुकाम वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा, कतर में चीन के स्टेट काउंसलर और वजीर खारजा वांग ई को चलगोजा पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने जो वफूद की सरबराही कर रहे थे दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वांग जी ने कार्गो परवाज के आगाज की तस्दीक की। दोनों ममालिक के दरमियान कार्गो सर्विस इस बात को जाहिर करती है कि बीजिंग अफगानिस्तान के लिए मजीद फलाही इमदाद के अलावा तमाम अफगान अवाम के लिए दोस्ताना पॉलिसी पर अमल पैरा है। सितम्बर में अफगानिस्तान को अवामी जमहूरिया चीन से फलाही इमदाद की पहली खेप मौसूल हुई। बीजिंग ने 200 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है। पाकिस्तान और चीन सबसे पहले है जिन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया है की वो काबिल के मुंजमद एहसासों को बहाल करे और मुल्क में बढ़ते हुए इंसानी बहरान पर काबू पाने के लिए अफगानों को इमदाद फराहम करे। अफगानिस्तान ने भी चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी से फायदा उठाने से काम शुरू किया है। पाकिस्तान गिलगित, शंदूर, चित्राल रूट को सीपेक के मगरबी रूट के तौर पर कायम कर रहा है, जो कि चीन और अफगानिस्तान के दरमियान मुख्तसर तरीन लिंक के तौर पर काम करेगा, क्योंकि इसकी सरहद चित्राल के साथ मिलती है। नाज़रीन, आप चीन और अफगानिस्तान के दरमियान शुरू होने वाले इस नए तजारती दौरे के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। ये वीडियो सोशोन के तआवुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।